अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरे से होंगे। कबूतरों की थकना उतारने के लिए उनमें स्वेलिंग हो गई हो, सूजन हो गई हो, खून की गर्दिश को बेहतर करने के लिए और बेतहाशा बीमारियों सवाए मौत, सबका बेहतरीन हल। जब कबूतर आप उड़ के आएँ, आप कबूतरों को फ्रेश करने के लिए ये दें, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें पहली चीज़ आपने क्या करना है, मेथी दाना लेना है एक चम्मच, मेथी दाना लेना है एक चम्मच। और मेथी दाने को देखा जाए तो मेथी दाना जो है ये हाजमे मददगार होता है, ये सूजन को कम करता है। और मेथी दाना जो है ये दर्द को भी कम करता है, पेन रिलीफ भी करता है। और खून की गर्दिश को भी बेहतर करता है। इसके अगर बरक्स देखा जाए कलौंजी को, तो कलौंजी भी आपने उसके बराबर हम वजन लेनी है, एक चम्मच लेनी है। तो इसे आपने अगर देखा जाए कलौंजी में विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B12 इसमें, नाइसिन है, विटामिन सी है। इसके अलावा इसमें जो मिनरल हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम, सेलेनियम है। और ये जो है इसमें एसिड भी पाए जाते हैं, दो एसिड हैं। तो ये बेतहाशा किस्म की बीमारियों में कलौंजी जो है मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज भी है इसमें। तो इन चीज़ों को बेनिफिट रखते हुए आप इन दोनों का हम वज़न ले के 2 गिलास पानी में हल्की आंच पे पकाएं, यहाँ तक जब 1 गिलास रह जाए तो उतार लें। और आप कबूतर को संभालने के बाद, पानी चलाने के बाद, खुराक देने के बाद, आप जब कबूतर को बंद करने लगें उसे आप ये दे दें। पहले भी दे सकते हैं लेकिन बेहतर है कि उसे आप संभाल लें, पानी वगैरह चला लें, फिर उससे खुराक दे के साथ ये दे दें। इससे कबूतर की थकावट उतर जाएगी और कबूतर आपका फ्रेश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। ये आपने 5 cc देना है निग्गर, 5 cc निग्गर ये देना है। और कोशिश करें कि थोड़ा सा ये नीम गर्म दें, नीम कोसा सा हो दें, हाई फ्रायर लो फ्रायर दोनों में ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जजाकल्ला।